छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक ऐसा गांव है जहां आजादी के 75 साल बाद भी गांव के लोगों को बिजली, पानी व सुगम सड़क की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जो सरकार के तमाम दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बीच अपना जीवन जी रहे हैं। इस गांव में कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले 35 बेगा परिवार लगभग 200 की जनसंख्या में रहते हैं। हम बात कर रहे हैं कबीरधाम जिले के सारू गांव, जो बोडला ब्लॉक के पडरी पानी पंचायत में है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और यह गांव घोर नक्सल क्षेत्र में भी आता है। आपको बता दें, गाँव तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है, गाँव में बिजली का अभाव है। सोलर बिजली के सहारे कुछ घंटों की बिजली मिल जाती है और गांव में मात्र एक हैंड पंप है, जिसके खराब होने के बाद लोग नदी व झिरझिया का पानी पीते हैं। सबसे बड़ी समस्या है, गांव तक बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए गाड़ी नहीं पहुंच पाती। तबीयत बिगड़ने पर बीमार व्यक्ति को 4 पाइप उठाकर पैदल ले जाना पड़ता है। गाँव के लोग कच्चे झोपड़े में रह रहे हैं, पक्के मकान भी नहीं मिल पा रहे। वही गांव के लोगों को एक साल से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। गांव निवासियों का इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, सुने। क्या नाम है दाई आपके? कौन से गांव है? अच्छा, ये बताओ, अभी गांव में हम देखत रहे ना, आप बहुत दूर से पानी लात रहे हो। हाँ। कहाँ से लात रहे हो पानी? अच्छा, पानी की व्यवस्था नहीं है गाँव में। अच्छा, लाइट भी नहीं है? लाइट भी नहीं है, सूर्य वाले। अच्छा अच्छा, गांव में काम धाम के जो है क्या व्यवस्था है? काम अभी नहीं है, अभी काम चलत रही तीन बंद कर। का काम चलत रही? अच्छा, पैसा मिल गई से? नहीं मिले है। चावल मिलते आप मल्ला सोसाइटी ले? हाँ, मिलते, हर महीना मिल जाते। जैसे कोनो बीमार पड़त हुई तो फिर कहाँ जाता सुई लगवाला? काम जाता कते दूर है झलमला? यहाँ दूर है, जाऊन पानी को पार है। तो गाड़ी मोटर के का है व्यवस्था, कुछ है जाया जाके? नहीं है। यहाँ के विधायक कौन है? विधायक कौन है यहाँ के? सरपंच सचिव। सरपंच सचिव है? हाँ। कहाँ के सरपंच? पंडरी का रहे। और सरपंच तो नंगवा ही का रहे। का नाम है सरपंच के? का नाम है ते कहीं तो बताओ का नाम ला। ये लड़का मन कहाँ जाते पढ़े ला? ये दी है जत है आंगनबाड़ी। हाँ, तो आंगनबाड़ी में खाना उन्हें मिलते? हाँ, देते खाना। रह रहे इस घर में आवास का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये 20-25 साल हो गए। अच्छा, तो आवास नहीं मिला है आप लोगों को? नहीं मिला है। कितने सदस्य हैं घर में? घर में यहाँ हम लोग इतना है, और 12-13 लोग हैं। अच्छा, पानी की क्या स्थिति है गाँव में? पानी का साधन नहीं है। तो कहाँ से पीते हैं पानी? नाला से पीते हैं। अच्छा, बिजली की क्या है व्यवस्था? सूर्य वाला है, चलता है, कभी कभी बरसात में जले भी नहीं। बरसात में नहीं चलता है? सड़क की क्या स्थिति है? सड़क भी पूरा देखने के पड़ा है। अच्छा, आप नहीं है। युवा हो, क्या चाहते हैं सरकार से, क्या उम्मीद करते हैं? सरकार ने बोलते हैं बनवाऊंगा बनवाऊंगा बोलता है, अभी तक से नहीं बनवाया है। अच्छा, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आए मिलने के लिए आप लोगों से? नहीं आया है, अभी तक नहीं आए हैं। अच्छा, क्या नाम है दादा आपका? राजा राम। एक सेकंड, कौन सा गांव है? इसमरू। अच्छा, कब से रह रहे हैं इस गांव में आप? ये गांव में हमारे आजा दादा पीढ़ी बीत गई है। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं गांव में सड़क की व्यवस्था नहीं है। सड़क की भी व्यवस्था नहीं है बाबू, तही आप ही अपन लोग जावे तब समझ ला पा जाबे। पानी को लेकर क्या व्यवस्था? पानी बिल्कुल अभी देश वाले आए नहीं, मौका मुही जाथन पानी, ये नीचे उतरा था। तो किससे भरते हैं पानी, किससे भरते हैं आप अभी? हाँ, अभी बोर के पिया था। अच्छा, और वो बिगड़ गए तो वो गए फिर। तो फिर कहाँ से पीते हैं पानी? नदिया से। नदी से? हाँ। बरसात अभी तो सौर ऊर्जा है, बरसात में फिर? बरसात में भर का डबरक लगा लग खाल पी लेते, काय करबे ज्यादा समस्या में। तो बिजली की व्यवस्था नहीं है गाँव में? हाँ। अच्छा, लाइट रात में कैसे करते हैं? ए भाई की लाइट आगे 3 दिन आगे नहीं आवे, 3 दिन भाई के चक्के जाम रहते। अच्छा, रोड को जो है लेकर क्या व्यवस्था है, कैसे आना जाना करते नहीं हैं? अब का कर भी देश ने, अब पीढ़ी कई गुजर गए चला था। अच्छा, यहाँ गांव में हम देखा था कई प्रकार के जो है समस्या है, का यहाँ समस्या है थोड़ा सा बताओ आप, जैसे बिजली पानी के दिक्कत बताते हैं। बिजली रोड के
समस्या है। हाँ। पानी के का व्यवस्था पानी के घाले के ठन रतार अतार करके भर थन और बाकी समय में बरसात में कहाँ पानी पीता बरसात में यहाँ नहीं निकले तो फिर नदिया जाता है। अच्छा नदिया के और जो है बिजली घर में लाइट जलता है 24 घंटा नहीं जला रात में चलते दिन में नहीं रहता है। अच्छा गांव में रोजी रोजगार के का साधन है आप मन के का कुछ काम धाम खुले है जंगल काम के सिपाही मन के खुले कतका दिन काम करे जंगल में वो महीना दिन सही करी है अभी तो फिर बंद हो गई। अच्छा गांव में जो है सरपंच सचिव भी है उमन आते हैं हवा थे कोनो कोनो दिन आते पंचायत में कुछ काम चली से कब से नहीं चले है अब बने साल हो गई भाई दो साल तो कुछ काम नहीं चली से। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता हीरेंद्र गोप की रिपोर्ट देखते रहिए जनहित टाइम्स।